and your girl is coming to India. Bye. Oh, bye bye. Namaste and hello beautiful people. I am Sakshi and you know it. If you don't know me, keep watching my videos. Guys, I have to tell you all something. तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ हूँ और जिसको पता नहीं चला तो मैं अभी हूँ एयरपोर्ट पे. And your girl is coming to India. तो मैं इंडिया आ रही हूँ and the very important thing that I have to tell you all is मेरे घर पे किसी को नहीं पता है. My parents don't know anything and it's gonna be a surprise visit. They don't know anything about my arrival or क्या time पर मैं आ रही हूँ, कुछ नहीं पता है. तो मैं एक ही तरह से पकड़ी जा सकती हूँ अगर मैंने उनकी call attend नहीं किए. But मेरी flight की जो timing है, जितने भी layover के बाद भी जो कुछ भी time है वो fit होता है properly. तो wish your girl luck and देखते हैं ये plan success होता है कि नहीं. आपको अगर उनका reaction देखना है तो stay tuned with it. It's gonna be fun, trust me, because उनको जरा सा भी हिंट नहीं है कि क्या होने वाला है. स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई विल बी व्लॉगिंग एवरीथिंग. सो या, सी यू. आई एम सेक्सी एंड आई नो इट. गाइस, तो मैं यहाँ पे एक शॉप पे आई हूँ एंड यहाँ के अंकल इज आल्सो इंडियन. दिस इज द अंकल एंड ही इज इंडियन एंड ही इज फ्रॉम सूरत. ही इज गुजराती. सो आई बीन टॉकिंग टू हिम. मैं व्लॉग भी करती हूँ, आप हाय बोलोगे? हाय, हाउ आर यू? चलो बढ़िया अंकल. देखा है आपका ब्लॉग? देखा है आपने? सच्ची में? वाओ, थैंक यू. इंडिया वाले को सबको हाय. काफी स्वीट अंकल थे, मैंने बात की अंकल से. काफी स्वीट था, काफी अच्छा लगा. आई लव व्हेन इंडियंस लाइक यू नो मीट अदर इंडियंस एंड देन एवरीबडी टॉक्स इन हिंदी. इट इज अ रियली नाइस फीलिंग. काफ़ी वॉर्म लगता है जब लोग बात करते हैं. तो मैंने बात की उनसे, मज़ा आया मुझे. मेरे को एक जगह मिल गई है जहाँ पर जाके मैं खाना खा सकती हूँ. और यहाँ पर ज़्यादा वैराइटी है नहीं और है भी तो काफ़ी महंगा है सब कुछ. तो मैंने सारी जगहों के मेन्यूज ट्राई किए, ट्राई किया आई मीन देख के, एंड जो भी सस्ता लगा वो एक ही था. तो अभी मैं जाके वो फ्राइड राइस खाऊंगी क्योंकि वही सब सस्ता है. तो लेट्स गो. मैंने यहाँ पे राइस मंगाया है उनके पास. वो फेमस फ्राइड राइस करके एक कोई डिश थी, वो नहीं है. तो अभी जो मिला, थैंक यू सो मच. डू यू हैव अ फोक बाय एनी चांस? यू डोंट हैव इट? आई एम गोना स्ट्रगल विद द चॉपस्टिक. तो मैंने ले लिया है फ्राइड राइस और हम खाने वाले हैं फ्राइड राइस. और भैया के पास टेबल इतना गंदा क्यों है? बॉस्टन एयरपोर्ट, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? भैया के पास फोक नहीं था. ओ बट यहाँ पे बाहर कटलरी है. एक मिनट, एक्सक्यूज मी, डू यू हैव अ फोक बाय एनी चांस? डू यू हैव अ फोक, स्पून और फोक बाय एनी चांस? ओके, थैंक यू. फ्राइड राइस आ चुका है और उसने मुझे चॉपस्टिक्स दिए. बट योर गर्ल इज ओनली काटा चमचा. इफ योर काटा चमचा, कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो. यम्मी, यम्मी. मेरा खाना खा के हो गया है. अभी मैं जा रही हूँ मेरे गेट के पास क्योंकि अपना सब सॉर्ट हो गया है. एंड जो भी इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं या फिर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है और उसको ऐसा लगता है कि अगर उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एयरपोर्ट पे खाना काफ़ी एक्सपेंसिव है या कुछ, तो मैंने जहाँ से खाना खाया है किया, इट्स वावाओ. तो वावाओ करके एक जॉइंट है यहाँ पे, आप चेक इन कर लोगे तो वहाँ पे सस्ता खाना मिल रहा है. मैंने फ्राइड राइस खाया विच वॉज फॉर 799, टैक्सेस लग के $10 हो गए. बट स्टिल वर्थ इट क्योंकि बाकी सारे जो डिशेस थे, आई मीन मेन्यू बाकी जो था, काफ़ी एक्सपेंसिव था. $24 एंड एवरी थिंग. सो काफ़ी एक्सपेंसिव लगा मुझे.
तो याद रखना, अगर आपको जेन्युइनली कुछ खाना है तो वाओ वाओ इट इज़। हम चढ़ रहे हैं प्लेन में, बाय यूएसए। गाइस मैंने प्लेन बोर्ड कर लिया है एंड मुझे विंडो सीट मिली है, व्हिच आई एम हैप्पी अबाउट, क्योंकि मैंने सेलेक्ट की थी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो यस, बोर्ड किया है प्लेन, प्लेन अभी उड़ेगा, प्लेन अभी उड़ेगा, टेक ऑफ होने वाला है मेरा अभी, एंड उसके बाद मेरा लंदन में ले ओवर है। मेरी ये फ्लाइट 6 घंटे की है, 6 घंटे के बाद मैं लंदन हीथ्रो पे लैंड करूँगी, एंड देन वहाँ से द स्ट्रगल इज़ रियल, बिकॉज मेरा ले ओवर इज़ ऑफ 9 freaking hours, 9 घंटे मेरा हॉल्ट है, ले ओवर है हीथ्रो, लंदन हीथ्रो में जहाँ पर रुकना है। तो बस कमेंट में मुझे ये बताना कि मुझे मर जाना चाहिए या क्या करना चाहिए। क्या करूँ मैं, मर जाऊँ? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। और आप इतने बड़े लंबे ऐसे ले ओवर में क्या करते हो? मैंने ये ऐसा सरप्राइज रिएक्शन ब्लॉग करने का सोचा था, अभी ऐसा लग रहा है कि मैं हीथ्रो एयरपोर्ट दिखाऊंगी, पूरा कोना कोना छान मारूंगी और आपको ब्लॉग में सिखाऊंगी। बस इतना टाइम है, 9 घंटे है मेरे पास, समझ रहे हो। ठीक है, आपको मिलते हैं हीथ्रो में, आपको दिखाएंगे हीथ्रो, आप वीडियो देखते रहो। स्टे हीथ्रो में लैंड किया है और अभी मेरा 10 घंटे का ले ओवर है, 10 आवर्स। तो अब मैं थोड़ा सा खाना खा रही हूँ, बिकॉज मैं बॉस्टन से निकली थी तभी मैंने डिनर कर लिया था, बट मुझे फ़्लाइट में भी डिनर सर्व किया गया था, तो आई हैव सम स्टफ। और अभी सुबह जब मैं लैंड हुई यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू लंदन सुबह, आई मीन अकॉर्डिंग टू लंदन टाइम, मुझे ब्रेकफास्ट भी दिया गया। आई एम हैविंग दिस ग्रीक योगर्ट राइट नाउ, मफिन है, दैट इज़ अ ब्रेड, आई शो यू ऑल। खाना यहाँ पे जो मुझे प्लेन में मिला था, छोटा सा बन है, बटर है, फिर ऐसे ही कुछ स्नैक्स है, मंचीज है, चॉकलेट्स है, जनोला बार है, ये एक सैलड है, फिर ये है ब्लूबेरी मफिन है, एंड इसके अंदर पास्ता है, थोड़ा स्पिल हो गया इसलिए मैं खोल के नहीं दिखा रही हूँ, बट यस मैंने अभी ग्रीक योगर्ट खाया जो मुझे मिला। तो मेरे 10 घंटे हो चुके हैं ले ओवर के एंड आई एम फाइनली बोर्डिंग, और अभी 9 घंटे में मैं मुंबई पहुंच जाऊंगी। बॉम्बे, मुंबई, आमची मुंबई पहुंच गई हूँ मैं, एंड मम्मी को अभी कॉल करके मैंने बताया कि मैं अभी सोने वाली हूँ, शी डजंट नो एंड आई एम सो एक्साइटेड सरप्राइज हर, स्टे ट्यून्ड, आई एम एक्साइटेड। खूब गर्म होता है, मैं आपके बारे में सोच रहा था।
I had to get up right now because my father is coming and he doesn't know about it. So I have placed this camera right here, so as soon as like he opens this door, he's gonna see me. Hi guys, so this is another day and this is the next day. I've arrived like yesterday, so this is the next day, and I am still in the zone of surprising everyone. So it is time to surprise my grandparents, that is my Azoba and Aji. Yet another day and I am surprising my sister and she doesn't know about it any, like there's no clue that she has about me, because I told her yesterday that you know mera sab kuch postpone ho gaya and I'm not really coming this week. So yeah, let's go surprise her. How are you? I'm very fine. How are you? Oh,
Hello, my name is Sakshi Jain.